शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र के तारकेश्वरी कॉलोनी की रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला की मौत दोपहर में हो गई। महिला के परिजनों ने इस बात की सूचना महिला के मायके वालों को रात 11 बजे दी। इसी बात से महिला के मायके वाले बिखर गए और आज सुबह महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों परिवार के बीच विवाद की स्थिति बनती देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। नरेंद्र बंसल ने बताया कि बड़े भाई की मौत 12 साल पहले हो चुकी है। कुछ वर्षों से भाभी की तबीयत खराब चल रही थी, उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। इसका इलाज बाकायदा ग्वालियर में रहा था। बीते दोपहर उनका निधन हो गया था। भाभी के मायके वालों के आरोप निराधार हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपेंद्र बंसल है जी। मेरी आज ताई जी का देहांत हुआ है जी। किस कारण हुआ? किशोरी कॉलोनी में रहते हैं। किस कारण देहांत हुआ? वो 2 साल से बीमार चल रही थी जी। उनका थोड़ा सा दिमाग का इलाज भी चल रहा था। ग्वालियर में भी इलाज करा चुके हैं हम। कब से इलाज चल रहा था? 2 साल हो गए उनका इलाज चलते चलते। आज उनकी डेथ हो गई, किस कारण उनकी डेथ हो चुकी है जी? थोड़ा सा कल से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, इस चक्कर में जी। माए के पक्ष का आरोप है आपके, उनको आपने मारा है क्या? कुछ उसके लिए क्या कहोगे आप? हमारे ऊपर गलत है। हम 12 साल से उनको रखे हुए हैं। मेरे ताऊजी 12 साल पहले खत्म हो चुके हैं और उनके कोई बच्चे नहीं है। वो मेरे को मेरा बेटा मानती थी और वो हमेशा मायके जाती थी तो भगवत के आती थी कि मेरा दीपू बेटा है, मैं तो उसी के पास जाऊंगा। और वो हमेशा सीपरी आती थी और हमारे पास ही रह रही थी। 12 साल हो चुके उनको हमारे पास रहते हुए जी। ताऊजी के बगैर बच्चे। पुलिस आ गई, पुलिस जाँच में लगी है सब। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस को ये लोग बुलाया गया है और इन लोगों को भी हमने 4 दिन पहले खबर की थी। ये लोग कोई नहीं आया उनको देखने करने, उनको देखने करने तक नहीं आया। इनके भाई, 2 भाई हैं, सिर्फ एक ही बहन थी। उसके बाद भी कभी राखी पे नहीं आते थे, कभी रक्षाबंधन में, कभी दोस्त पे कभी नहीं आते थे, कभी अपनी बहन को देखने ही नहीं आते थे, किसी तीज त्यौहार पर नहीं आते थे अपनी बहन को देखने। और अभी हमने भी 4 दिन पहले इनको फ़ोन किया, दोनों भाइयों को कोई मिलने नहीं आया इनसे, कोई उनको खैर खबर लेने नहीं आया, जबकि हमने साफ बोल दिया था कि आप आइए और खैर खबर लेके जाइए। बाबू जी, क्या नाम है आपका? नारायण बंसल। आज ये गमी हुई है, कौन थी आपकी? मेरी भाभी थी। क्या कुछ मामला था? मामला बीमार चल रही थी 2-1 साल से जी। तो इलाज करवा रहे थे जी। वो पहले उन्होंने ग्वालियर में करवाया था जी। उसके बाद ग्वालियर से सीपरी आ गई थी जी। उसके बाद सीपरी में मैंने इलाज करवाया रहा था जी। जिसके डॉक्टर साहब को जी मैंने इनके वो भी दे दिए, कागज जी, एक्सरा रिपोर्ट जी, सब उनको दे दिए। इनकी मृत्यु हुई है मतलब बीमारी के कारण? हाँ, बीमारी के कारण जी। और आपकी जो भाभी जी हैं उनके मायके वाले का क्या कहना है? वो तो ये कहते हैं तुमने मारा है। अच्छा, कैसा इंजाम लगा रहे हैं कि तुमने मार डाला? मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनके पिताजी की। देहात थाना क्षेत्र में जो मामला आया, क्या कुछ मामला है? एक तारकेश्वरी कॉलोनी में प्रभा देवी बंसल है जी। उम्र लगभग 60 वर्ष है जी। इनकी मृत्यु हो गई है जी। घर वालों का कहना यह है कि बीमारी से मृत्यु हो गई है, लेकिन जो उनके मायके पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि हमें डाउट है जी। तो PM कराया जा रहा है, डाउट क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।